हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चटपटा मसालेदार ओट्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे बारीक काट लिया है मैंने। एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर लिया है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। एक मैगी मसाला का एक पाउच लिया है मैंने, एक और एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं, 1/4 चम्मच सरसों के दाने हैं, नमक स्वाद अनुसार, और मैंने एक बाउल ओट्स लिया है, और हमें 3 चम्मच छोटे चम्मच से हमें देसी घी लेना है। आप बटर भी ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल। चलिए बनाते हैं इसे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले सरसों के दाने डालेंगे, साथ ही हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, और जो हमने हरी मिर्चें बारीक करके काट के रखी थी वो डाल देंगे, और हमें इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को हमें हल्का नरम करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, और जैसे ये हल्के नरम हो जाते हैं हमें इसमें टमाटर डाल देना है। प्याज नरम हो चुके हैं, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि मैगी मसाला के पैकेट में जो मसाले हैं उसमें भी नमक होता है, इसलिए हम कम नमक डालेंगे। मिलाकर हमें इसे ढक देना है 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद, ढकने के बाद से हमें ढक्कन डालकर टमाटर को इस तरह से हल्का सा दबा दबा के कर देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से घुल चुके हैं, इसमें अब हम ओट्स डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम ये मसाला मैजिक, इसका एक पैकेट डाल देंगे, और अच्छे से मिलाकर इसमें फिर हम पानी डाल देंगे। इसमें जो मैंने ओट्स लिया है वो एकदम प्लेन ओट्स है, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। इसमें मैंने 1 से 1.5 कप बड़े कप के करीब पानी डाल दिया है। 2-3 मिनट इसे हमें पकाना है और गैस बंद कर देना है। मसालेदार ओट्स तैयार हो चुके हैं, तो आप इसे घर पर बनाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है इससे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।